भाई कुछ आइडिया ही नहीं था हम लोगों को कि सुबह उठ के ऐसा माहौल दिखने वाला है। भाई साहब यहाँ देखिए गाड़ियों के ऊपर कैसी स्नो जमी हुई है, ये देखिए शीशे के ऊपर, ओ भाई बिल्कुल हार्ड वाली। ये देखिए भाई क्या स्नो पड़ रही है, ओ भाई। भाई सामने देखो हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड मनाली की तरफ और पूरा पहाड़ देखे सफेद हो चुका है अपने पूरे जंगल वो भाई। लो भाई साहब हम लोग पहुंचे एक और होटल के पास और यहाँ का लुक देखिए, ओ भाई देखिए भाई स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग फिर से एक नई लोकेशन पे आए हैं और यहाँ भाई साहब सुबह सुबह उठते ही जो माहौल दिखा है ना सामने देखिए, ओ भाई स्नो पड़ गई है देखिए। भाई मैं जैसे सुबह बाहर निकला ना बालकनी में वाइट 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 दिख रहा है, कुछ थोड़ा सा अंधेरा था रात को लगभग 4:30 बजे उठा मैं और जैसे ही भाई थोड़ी सी सुबह हुई पूरा वाइट नज़र आ रहा, देखिए यहाँ तक स्नो पड़ी है, देखिए इसकी जो छत है गाड़ी के ऊपर पूरा वाइट हो चुका है। ओ भाई एक अलग ही माहौल, और यहाँ पे ना हल्का हल्का वाइट आ रहा है, जो मेरे कैमरा का ग्लास है ना वो टूट गया है, अभी वो चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले, तो चलिए मेरे पास है वो चेंज करते उसके बाद दिखाते व्यू। तो आज सुबह सुबह का मौसम कुछ इस तरह का भाई, स्नोफॉल के साथ आज की शुरुआत हुई है, मौसम साफ है लग रहा है मुझे, तो चलिए मिलते हैं पहले ग्लास चेंज करते फ़ोन का। तो लीजिए भाई आ चुके हम लोग, सबसे पहले ना कैमरे का एक ग्लास टूट चुका है नीचे वाला, तो मुझे आइडिया था कि ये टूटेगा, हल्का सा स्क्रैच पड़ा था, सबसे पहले इसे चेंज करते क्योंकि मैं ग्लास लेके आया हूँ भाई। अभी दिखाते कहाँ पे अपना ग्लास, ये देखिए भाई ये है 14+ का कैमरा ग्लास, मेरा लेंस ग्लास, तो चलिए फटाफट से लगाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आपको बाहर का नज़ारा। तो फाइनली लग चुका है अपना ग्लास, सबसे पहले जाते हैं आपको स्नोफॉल दिखाते हैं। तो हेलो जी वेलकम बैक अगेन द चैनल, हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज का सीन ऐसा, आज जाने वाले हम लोग सब लोकेशन देखने वाले क्योंकि अपनी शूटिंग टीम लगभग 90% पहुंच चुकी है, 10% आज रात तक पहुंच जाएगी। तो चलिए जाते हैं सुंदर सुंदर सी जगहें दिखाते हैं मनाली की और भर भर के स्नोफॉल क्योंकि रात को हुई है स्नोफॉल। तो चलिए निकलते हैं अपने रूम से भाई साहब, होटल से बाहर निकलते ही नज़ारा देखिए, सामने के पहाड़ अच्छी खासी स्नो से भर चुके हैं और गाड़ियां अपनी जिप्सी देखिए यहाँ पे, ओए होए होए भाई साहब, ओ इतनी हार्ड हो गई है देखिए, रात को अच्छी खासी स्नो पड़ी है भाई, सही वाला माहौल दिख गया सुबह सुबह उठते ही, ये देखिए कितने सारे स्नो है। तो चलिए अभी निकल रहे हैं हम लोग, बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। भाई साहब यहाँ देखिए गाड़ियों के ऊपर कैसी स्नो जमी हुई है, ये देखिए शीशे के ऊपर, ओ भाई बिल्कुल हार्ड वाली, रात को गिरी होगी ये सारी स्नो और सुबह होते होते अच्छे से जम गई, अपने जिप्सी पे भी है सारी गाड़ियों पे देखिए और सामने के पहाड़ों में देखिए, ओ भाई क्या एक अलग ही नज़ारा दिख रहा है ना। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने एज यूजली जहाँ पर आते हैं, तो चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट और लेते मज़े स्नोफॉल के, आज स्नोफॉल तो पड़ गई स्नो के मज़े लेते, वो देखिए सामने के पहाड़ों में क्या दिख रहे, ओ भाई क्रेजी सीन देखिए वहाँ, अरे अरे भाई एक अलग ही नज़ारा दिख रहा है मनाली का। भाई कुछ आइडिया ही नहीं था हम लोगों को कि सुबह उठ के ऐसा माहौल दिखने वाला है, बट जो भी है सारा मस्त है, मज़ा आ गया भाई। बर्फ़ का ब्रेकफास्ट देखिए पूरी, ये क्या इसको क्या बोलते हैं मामा, उपमा उपमा नहीं पता नहीं कुछ बोलते हैं, और ये देखिए आलू भाजी मस्त वाला। भाई साहब ब्रेकफास्ट करते हैं ना, हाथ जैसे ही धोया ऐसे लगाए हाय ख़त्म हो गए हाथ। तो चलिए अभी निकल रहे हैं दूसरी जगह यहाँ से ब्रेकफास्ट करके, और हल्की हल्की ना अपनी धूप आना स्टार्ट हो गई है, तो सही वाला माहौल हो रखा है देखिए, नीला आसमान तो ठंड होगी लेकिन धूप से गर्मी भी होगी। तो चलिए निकलते हैं, कैसे हो प्रेम भाई? हाय गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई कैसे हो? बस फाइन भाई, इतनी इंग्लिश नहीं आती मुझे, इतनी फास्ट आराम आराम से बोलो। भाई सामने देखो हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड मनाली की तरफ और पूरा पहाड़ देखे सफेद हो चुका है अपने पूरे जंगल वो भाई, वाइट चादर बिछ चुकी है बर्फ की, क्या एक अलग ही नजारा दिख रहा है देखिए। भाई लगा नहीं था इतनी स्नो पड़ेगी रात को, हम लोग चुपचाप सो गए थे जैसे सुबह उठे ना भाई साहब, बाहर का जो नजारा दिखा ना एक अलग ही लेवल का। लो भाई साहब हम लोग पहुंचे एक और होटल के पास और यहाँ का लुक देखिए, ओ भाई क्या आ रहा है देखिए, सामने के जो पेड़ है ना स्नो से लदे हुए, ओ भाई एक अलग ही लुक दे रहे हैं।
जो यहाँ पे रह रहा होगा ना भाई साहब, सामने कभी क्या ही आ रहा होगा। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं क्योंकि हाथ बहुत ठंडे हो चुके हैं और सेंटर हीटेड रूम में बैठेंगे भाई मस्त वाला और मजे लेंगे थोड़े से। बट जो स्नो है ना, आय हाय 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 हाय, क्या है ये देखिए भाई। मनाली आओ और स्नो के मजे लो भाई। घर पे बैठ के क्या कर रहे हो आप लोग सब? यहाँ पे देखिए कितनी स्नो है, लगभग 1 से 2 इंच होगी और पूरा पैक हो रखा है और फ्रेश स्नो है, अभी तक कोई चला भी नहीं है यहाँ पे। और सामने के पहाड़ों में देखिए पूरे पेड़ वाइट हो चुके हैं एकदम से। हाय हाय, यहाँ अंदर आके ना एक सुकून ही मिल गया। ये देखिए सेंटर हीटेड है पूरा होटल और बढ़िया बैठ के यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं। बेडिंग अफेयर्स बस बस यही पढ़ते हैं। जिसकी शादी नहीं हुई है ना मुझसे कांटेक्ट करे, मैं करवाता हूँ शादी। बेडिंग अफेयर यहाँ से क्या क्या है, वी आर नेक्स्ट डेस्टिनेशन मैरिज। देखिए यहाँ से फूल गिरेंगे, यहाँ पे कपल होगा बढ़िया। हाय हाय, ऐसे ग्रूमिंग होगा देखिए। और एक मस्त वाले रिजॉर्ट में। तो चलिए मैं तैयारी करता हूँ, आप मुझे बस कमेंट करके बताएं कहाँ शादी करनी है भाई। आज ऐसी सिचुएशन है, हमको बार बार जाना पड़ रहा है लोकेशन देखने, बार बार अपने होटल वापस आना पड़ रहा है। और अभी अपना बैग भूल गए थे हम लोग, बैग लेने होटल वापस आए, अभी फिर से निकल रहे हैं, अभी फिर से जाएंगे हम लोग, लोकेशन देखेंगे, फिर से सारा सीन दिखाएंगे। आज तो ना होटल, एक होटल, दो होटल, तीन होटल, चार होटल, सब होटल ही होटल घूम रहे हम लोग। तो लीजिए भाई, फाइनली फिर से पहुंच चुके एक बार रूम। तो अभी जाएंगे लंच करेंगे, उसके बाद जाने वाले फिर से हम लोग जहाँ पे अपना काम चला था। 3 लोकेशन में अपना काम चला हुआ है और हम लोग लोकेशन और भी देखने वाले हैं 4 से 5। तो आज का दिन ऐसा ही रहा, 4-5 होटल गए, वहां पे काम किया, फिर वहां से आए, अभी लंच करेंगे और सीधे निकलेंगे और लोकेशन दिखाएंगे। तो देखिए एक बार फिर से पहुंच चुके हम रूम में, और कुछ इस तरह का रूम है अपना, जहां मर्जी सामान पड़ा हुआ, जहां मर्जी देखिए चप्पलें भी 1-2 पता नहीं कितनी सारी है। तो लीजिए भाई लंच करने आए हैं और कुछ दिखाया हमें यहाँ पे मस्त वाला बार है देखिए। हाय हाय, बस गिलास दिखते हैं, 2-4 कुर्सियां दिख रही है भाई मस्त वाला, यहाँ से सर्व करेंगे और यहाँ पे आगे भाई बस डांस। देखिए भाई आ चुका है अपना लंच, भाई सैलेड आ चुका है, नीला भाई भी आ चुका है, चावल है, पीली दाल है, यहाँ पे पानी 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 भाई, पानी पानी है, ये क्या है भाई, पानी पानी है भाई। ये देखिए भाई पीली दाल, थोड़े से चने, थोड़े से चावल। तो चलिए करते हैं फटाफट से। तो लीजिए भाई पहुंच चुके हैं एक नई लोकेशन में और यहाँ पे देखिए कौन सो है अंदर, कोई तो है भाई। तो यहाँ पे देखिए सुंदर से कॉटेज के पास पहुंच चुके हैं, लकड़ियों और पत्तों द्वारा, घास भी है, क्या सुंदर लग रहा है ना। चलिए इसके अंदर घूम के आते हैं। और यहाँ पे देखिए सुंदर से कॉटेज के पास पहुंच चुके हैं, अरे भाई साहब क्या लग रहे हैं ना भाई। ऐसी ऐसी जगह मिल जाए ना सोने पे सुहागा, एकदम चुम्बेश्वर लोकेशन भाई। ये देखिए हाय हाय, जन्नत में पहुंच चुके हैं। तो चलिए भाई अंदर घूम के आते हैं लोकेशन देख के, और उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन भी जाना है यहाँ से हम लोगों को। बस 1 या 2 लोकेशन जाएंगे, उसके बाद आज का काम ख़त्म। देखिए भाई स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, हम लोग फिर से एक नई लोकेशन पे आए हैं और यहाँ पे हो चुकी है स्नोफॉल स्टार्ट। ओ भाई ऐसा लग रहा है जैसे चीनी के बड़े बड़े गोले गिर रहे हो, ये बड़े बड़े गोले भाई, हाथ ना ऐसे जमना स्टार्ट हो गए और मन कर रहा है यहाँ से सीधे रूम में जाए और हीटर के पास बैठ जाए, बट बैठना पड़ेगा। ओ भाई यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े, देखिए भाई साहब क्या बड़े बड़े फ्लैक्स गिर रहे स्नो के, जमना स्टार्ट हो गई है स्नो देखिए। तो फाइनली एक बार फिर से मनाली में पड़ रही है स्नोफॉल। देखिए यहाँ पे हम लोग हैं मनाली में और यहाँ पे स्नो गिर रही है बड़ी बड़ी फ्लैक्स। तो लीजिए भाई हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल रोड के पास और यहाँ पे अच्छी खासी स्नोफॉल लग चुकी है। देखिए भाई भयंकर वाले स्नोफॉल स्टार्ट हो चुके हैं, शाम के बज चुके हैं 4
और ये रहा कुछ हम लोग अभी डोमिनोज के पास। ये देखे भाई क्या स्नो पड़ रही है। ओ भाई तो चलिए भाई फाइनली पहुंच चुके हैं रूम में, अपना डिनर हो चुका है। एक बार फिर से हम लोग मॉल रोड मनाली गए थे कुछ काम से और वापस आ चुके हैं। अभी जाते हैं फटाफट से सो जाते हैं क्योंकि कल सुबह उठना है फिर से 5 बजे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट पब्लिक।